कितने ये गंभीर प्रकार है। घर मिला है कैसा लग रहा है, किसी ने पैसा तो नहीं लिया, पैसे लिए हैं किसने और कितने, यह तो गंभीर प्रकरण है। यूपी के जिला बदायूं में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के सामने ही बुजुर्ग महिला ने पीएम आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। दरअसल आंवला सांसद ने कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग महिला को पीएम आवास की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग महिला से बातचीत करते हुए पूछ लिया कि किसी ने आवास के नाम पर पैसे तो नहीं लिए। इस पर महिला ने सिर हिलाते हुए हां में जवाब दिया। सांसद ने जब पूछा कि पैसे लिए हैं कितने, तो महिला ने उससे पीएम आवास दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए लिए जाने की बात कही। रुपए लेने वाले का नाम भी सांसद को बताया। ये सुनकर सांसद भी हैरान रह गए और बोले, यह तो गंभीर प्रकरण है। कार्यक्रम में मीडिया भी मौजूद थी, इसलिए सांसद ने तुरंत बात पलटते हुए महिला से पूछ लिया कि मोदी को कुछ कहना चाहती हो। एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए, फिर अंदाजा लगाइए कि सरकारी कार्यक्रम में आने वाले लाभार्थियों से वसूली हो रही है तो असल में योजनाओं के नाम पर किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा होगा। ये तो देखो बहुत गंभीर, एक गंभीर प्रकार है, एक गंभीर प्रकार। आप बताइएगा, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो, धन्यवाद देना चाहती हो मोदी जी? हाँ देना चाहती हूँ।